नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर लाए गए बिल का विरोध। इस विरोध किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित भारत बंद को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा समर्थन देने पर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग ने पुलिस द्वारा नजरबंद किए जाने पर अपने आवास पर ही धरने पर बैठकर विरोध जताते हुए कहा कि अन्नदाता का शोषण देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सभी व्यापारियों से किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन करने की अपील की। पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। सूरज निकलते ही महानगर अध्यक्ष आजम शाह के आवास पर थाना मंडी प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह रावत वे चौकी प्रभारी सुनील कुमार में पुलिस बल के डेरा डाल दिया। महानगर अध्यक्ष आजम शाह को घर से बाहर निकालने की आज नहीं होगी इजाजत। उनको उन्हीं के आवास पर किया गया है नजरबंद। मिनास की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मेरा नाम परवेज अली खान है। मैं ग्राम धौराले से प्रधान हूँ मौजूदा, और प्रधान संगठन का जिला उपाध्यक्ष हूँ और समाजवादी पार्टी का भी जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज किसानों के जिस प्रकार से परेशान हैं उस विषय में जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भारत बंद का आह्वान है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भी एक खुद किसान का बेटा हूँ। मेरा भी ताल्लुक गाँव से ही है। जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है और सरकार ने ज़बरदस्ती कानून जो थोपा है, और किसी भी तरह से वो अपनी गलती मानने के लिए, अपने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की डिक्टेटरशिप इस सरकार ने कर रखी है, ये इस तरह की बिल्कुल गलत है, और हम इसके विरोध में, हालांकि हम किसानों के, क्योंकि किसान होने के नाते मैं किसानों के साथ हूँ और किसान यूनियन के साथ तो खैर हम लोग कल भी थे, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन, क्योंकि आज हमारा ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह है कि हमें सुबह से ही उन्होंने नज़रबंद कर दिया गया था कि आप जो है बाहर ही नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश जी यादव जी के आह्वान पर जिस तरह से उन्होंने हमें निर्देश दिए थे, हम उनके लगातार आदेशों का पालन करेंगे और जो भी उनकी दिशा निर्देश होगी उसमें हम कार्य करेंगे। भारत बंद में जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को घरों में ही नज़रबंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार पूर्ण रूप से इस समय डर से भयभीत है, बिल्कुल घबरा रही है। ये सरकार अगर ये नहीं घबराती तो हमें नज़रबंद क्यों किया जाता? क्योंकि सबको कहने का, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से बीजेपी वोट मांगकर ये आज सत्ता में आई है, तो इसी तरह क्योंकि अगर ये हमसे ना डरती तो कम से कम हमें कहने का हक मिलता और हम बाहर आते, कम से कम लोग हमारी आवाज़ सुनते, हम लोगों के एक दूसरे की आवाज़ में मिला के और कंधे से कंधा मिला के हम जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और इन्हें पता लगता कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन इन्होंने हमें खुद ही बाहर ना निकलने देने की वजह से हमें नज़रबंद कर दिया गया। आज भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया है, उसी क्रम में सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों को नज़रबंद करने का कार्य किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में चल रही योगी बाबा की भ्रष्ट सरकार ने जिस तरह से आज हमारे देश का किसान सड़कों पर है, पिछले काफ़ी समय से देश का अन्नदाता इस ठिठरती हुई सर्दी में सड़कों पर मौजूद है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए तमाम अपने कार्यकर्ता, अपने तमाम वर्करों को जब ये निर्देश दिए हैं कि आप लोग किसान भाइयों का समर्थन करें, हम सभी समाजवादी के लोग जब किसान भाइयों के समर्थन में बाहर, किसान भाइयों के लोगों को समझाने के लिए, व्यापारी भाइयों को समझाने के लिए जब बाहर आए हैं, तो इस योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश में चल रही भ्रष्ट सरकार, योगी बाबा की सरकार ने समाजवादी के तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को घरों पर अपने प्रशासन के द्वारा घरों में ही नज़रबंद करवा दिया गया है। लेकिन ये चाहे जितनी अपनी ताकत झोंक ले, हम किसान भाइयों के समर्थन में किसान भाइयों के साथ हैं और पुरजोर तरीके से उनके साथ रहेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश और दिशा निर्देश देंगे उस पर हम काम करेंगे। जय समाजवाद।